फिर अपने दोस्तों आज हम सीखेंगे मैथ्स से ट्रिक। देखिए दोस्तों ट्रिक के साथ कैसे सोल्व किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पजल आपके लिए। देखिए दोस्तों 1 × 2 = 5। अब आपको देखना है कि 1 × 2 = 2 ही होते हैं, तो 5 कैसे आया होगा, बस ये ट्रिक समझना आपको, 5 कैसे बना होगा, 2 × 3 = 6 होता है और 36 कैसे बना होगा, ये आपको देखना है ना। तो देखिए दोस्तों देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या किया होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का भी स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 एकम कितना होगा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 4 ही होगा, 4 एकम कितना होगा 4 ही होता है। इसी तरह यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 का 2 का स्क्वायर 4, 9 चौक कितना होगा 36 होगा। इसी तरह अगला देखते हैं, यह 4 का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 × 144 होता है। ठीक है, जब इतना समझ में आ गया आपको तो यह 5 × 6 = क्या होगा, इसका एक कमेंट जरूर कीजिएगा, आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और पजल आपको सिखाते हैं। देखिए पजल सोल्व कीजिए, a + a = 20 है, a - b = 5 है, तो a/b × 2 = क्या होगा। देखिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, कोशिश करते हैं, यहाँ पे a + a = 20 है, तो a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर a का मान 10 रखते हैं तो 10 × 10 कितना हो जाएगा 20 होता है। जब a का मान 10 है, 10 में से क्या घटाएं कि 5 आ जाए, तो 5 घटाएं तो 5 बचेगा, है ना। जब a का मान 10 है, a का मान क्या हो गया अपने पास 10 हो गया, भागित b का मान कितना हो गया 5 हो गया, गुणित 2 = क्या होगा। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले गुणा कर देते हैं, पहले गुणा नहीं होगा, पहले क्या होगा भाग होगा, तो 5 का भाग लगाएं तो 5 × 2 कितना होगा 10, 2 आएगा, अब 2 × 2 = कितना आएगा 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।